हेलो एवरीवन तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेट्रिस की कुछ ऑपरेशंस देखे थे है ना और उस ऑपरेशंस के बेस पे आपने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपने लगाए होंगे ठीक है आज हम लोग उसी जितने पार्ट हम लोगों ने किए हैं उसी को हम लोग थोड़ा सा और उस पर सिर्फ क्वेश्चन करके उसको और समझने का ट्राई करते हैं मेट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो उस वाले पार्ट को आपको थोड़ा सा केयरफुल रखें सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हमें समझ में आना चाहिए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ठीक है तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ क्वेश्चन के थ्रू ही थ्योरी वाले पार्ट को समझने का ट्राई करते हैं कि कैसे ये चीजें सॉल्व uh, होती है ठीक है तो जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है फर्स्ट हमें दिया हुआ है इस वाले क्वेश्चन में देखो कि हमें बोला है कि फाइंड दी नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस मैट्रिक इक्वेशन मेट्रिक इक्वेशन मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में देखो एक मैट्रिक्स है और राइट हैंड साइड में भी मैट्रिक्स है है ना तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों मैट्रिक्स को हमें क्या करना है इक्वेट करना है है ना और मैट्रिक्स का इक्वेशन हमने वो किया था हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है ना कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है जब उनके बीच में जब दोनों मैट्रिक्स का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं ठीक है तो हम ट्राई करेंगे पहले कि लेफ्ट हैंड साइड में मुझे कंबाइन करके एक सिंगल मैट्रिक्स मिल जाए है ना यहाँ पे अभी हमें दो अलग अलग मैट्रिक्स दिख रहा है दोनों का ऑर्डर अगर ध्यान दोगे तो ये भी टू क्रॉस टू का है ये भी टू क्रॉस टू का है और ये भी टू क्रॉस टू का है तो हम कंपेयर तो कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अब देखो यहाँ बाहर में x से मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है और यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई हो रहा है यहां पे भी टू से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये किस टाइप का मल्टीप्लीकेशन हो गया स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो गया है ना मैट्रिक्स को हम एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है कि ये वाला पार्ट क्या होगा हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये भी क्या होगा हर एक चारों एलिमेंट से आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने यही किया था तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो फर्स्ट वाला पार्ट देखो क्या बन जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा ये एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो टू एक्स स्क्वायर ये एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो ट्वाइस एक्स यहाँ पे थ्री एक्स और ये एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा आपको आपका और सेकेंड वाले को जब करोगे तो फिर से यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई होगा सारा तो ये कितना दे देगा सिक्सटीन टेन एक्स एट एंड एट एक्स है ना और इक्वल टू यहां पे भी सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन और यहां से कितनी आ जाएगी फोर्टी एट ट्वेंटी फोर इंटू टू टेन इंटू टू ट्वेंटी एंड ये ट्वेल्व एक्स है ना ये दोनों मैट्रिक्स आ गया अभी भी लेफ्ट हैंड साइड में, में मेरे आप कॉरसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में एड कर देते हो तो टू एक्स स्क्वायर किससे एड हो जाएगा सिक्सटीन से है ना फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट से एड होगा तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन सेकेंड वाला कितना हो जाएगा टू एक्स प्लस टेन एक्स कितना दे देगा हमें ट्वेल्व एक्स यहाँ पे कौन सा हो जाएगा थ्री एक्स प्लस एट क्लियर है और फोर्थ वाली कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स है ना ये वाली वैल्यू आ गई और राइट हैंड साइड में देखो हमारे पास मैट्रिक्स क्या है जो हमने राइट हैंड साइड में दिया हुआ था टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन ये फोर्टी एट यहां से 20 और यहां से 12x हमारे पास लिखा हुआ है नहीं है अब हमें ये लेफ्ट हैंड में देखो एक मैट्रिक्स है और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास क्या है एक मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहा है और दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो कॉरस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पे देखो ये एलिमेंट किसके इक्वल होगा इस एलिमेंट के तो यहाँ पे देखो ये एलिमेंट तो ऑलरेडी सेम तो ही लिखा हुआ है तो यहां से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है है ना फर्स्ट वाला पार्ट दोनों का सेम है सेकेंड वाले पे आते हैं वाले पे यहां पे 12x है और यहाँ पे फोर्टी एट है तो हम क्या बोल सकते हैं ट्वेल्व एक्स किसकेट इक्वल होना चाहिए यहां से एक्स की वैल्यू हम कितनी निकाल सकते हैं फोर एक्स की वैल्यू आप यहां से फोर लिख सकते हो ठीक है तो x की वैल्यू मेरे पास फोर आ गई लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम x इक्वल टू फोर आंसर कर देंगे है ना क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा कि बाकी देखो बाकी एलिमेंट में भी मेरे पास एक्स का टर्म है है ना तो वो वैल्यू भी इसके इक्वल होनी चाहिए है ना तो पहले वाले पार्ट से तो मुझे एक्स मिल गया लेकिन क्योंकि यहाँ पे भी एक्स इन्वॉल्व है और यहाँ पे भी एक्स इन्वॉल्व है और यहाँ पे भी एक्स है तो हमें ये सब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा है ना तो यानी इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए ट्वेंटी के इक्वल होनी चाहिए और क्योंकि हम x की वैल्यू फोर निकाल चुके हैं तो x की वैल्यू आप इसमें फोर पुट करोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा ट्वेंटी के आ जाएगा। इसका मतलब एक्स इक्वल टू फोर इसको कर रहा है। Similarly, टू फोर आप यहाँ पे पुट करो और x इक्वल टू फोर आप यहाँ पे पुट करो है ना दोनों पुट करके आप देखोगे तो यहाँ से भी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से भी वैल्यू हमारे पास सेम आ जाएगी है ना तो हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू फोर हमारा फाइनल आंसर है ठीक है तो x इक्वल टू फोर आप आंसर मार्क कर सकते हो लेकिन एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे कि क्योंकि वेरिएबल जो है जो x हमने निकाला है वो x जहां जहां पे है उन सारे पार्ट को भी वो सेटिस्फाई करना चाहिए ठीक है अगर मान लो कि x इक्वल टू फोर जो हमें निकला है और यहाँ पे अगर मान लो कि ट्वेंटी की जगह पे नाइनटीन होता तो ये वाले x इक्वल टू फोर के लिए क्या ये इक्वल हो पाता नहीं हो पाता है ना इसका मतलब ये x इक्वल टू फोर हमारा आंसर नहीं होता x इक्वल टू फोर आंसर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ट्वेंटी लिखा हुआ है और ये वेरिएबल होने के साथ साथ एक्स इक्वल टू फोर पे हमें सेम वैल्यू दे रहा है ना तो इस तरीके से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ पे सिर्फ एक ही इक्वेशन को सोल्व करने से मुझे एक्स मिल गया लेकिन हम डायरेक्टली उसको आंसर नहीं करेंगे उसको आपको बाकी एलिमेंट के लिए भी चेक करने की जरूरत है ठीक है तो ये सिंपल स्केलर मल्टीप्लीकेशन और एडिशन का क्वेश्चन था आई होप की इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए होंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट है हमारे पास ए मेट्रिक्स हमें एक दे रखा है ये वाला और हमसे पूछा है कि ए स्क्वायर की वैल्यू बताओ ए स्क्वायर की वैल्यू ये आनी चाहिए है ना तो ए स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है है ना और ए स्क्वायर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए मैट्रिक्स में ए स्क्वायर का डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए इंटू ए यानी ये क्या हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हो गया ठीक है और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए हमारे पास दो ए, दो मैट्रिक्स होनी चाहिए और यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स क्या है सेम है, है ना? तो दोनों मैट्रिक्स को हमें क्या करना है आसपास लिख लेना है ठीक है तो ये हमारा ए हो गया और इसी के साथ हम एक और ए लिख लेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये साइन थीटा और ये थीटा ठीक है अब पहली चीज हमें ये चेक करनी है कि क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं है है ना तो वो हम कैसे चेक करते हैं ऑर्डर से तो A किस ऑर्डर का है क्रॉस का है कहां से पता चला क्योंकि तो पे मैट्रिक्स इसने ऑलरेडी दे रखा है है ना तो A जब इसने ऑलरेडी दे रखा है तो हम बोल सकते हैं ए टू क्रॉस टू का है. और यहाँ पे भी ए कितने का है टू क्रॉस टू का है. और आपको याद होगा कि फर्स्ट का कॉलम और दूसरे का रो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए यहां पे देखो ये क्वांटिटी सेम है इसलिए ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है पॉसिबल है और अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो हम इसको मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं अब मल्टीप्लाई मल्टीप्लिक मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं मैट्रिक्स मैट्रिक्स में matrix में मल्टीप्लाई होता है इस तरीके से ठीक है तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स कौन सा बनने वाला है रिजल्टेंट मैट्रिक्स टू क्रॉस टू का ही बनने वाला है क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, है ना तो यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स बन के आएगा वो कितने ऑर्डर का होगा टू क्रॉस टू ऑर्डर का ही होगा और टू क्रॉस टू ऑर्डर का होगा तो कितने एलिमेंट आएंगे हमारे पास चार एलिमेंट आएंगे तो ये फर्स्ट ये ये वन ये वन टू ये टू वन और ये टू टू वन वन पोजिशन का एलिमेंट कैसे निकालेंगे इस वाले पोजिशन का की वैल्यू कैसे निकालेंगे और ए वन वन कैसे निकालेंगे हम ए वन वन कहां से आएगा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है ना और क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को लेंगे ठीक है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लीकेशन में आपको याद होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में ये चीज कराया करा था रो को किससे मल्टीप्लाई करना होता है कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है ठीक है फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को ये फर्स्ट मैट्रिक्स का रो है ये सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम है ठीक है ना तो हमेशा इसी तरीके से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे जो ए वन वन एलिमेंट लिखा हुआ है तो फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को लेना है और सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को लेना है ठीक है तो यहाँ पे देखो मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो ले लिया और दूसरे मैट्रिक्स का यहाँ पे हम कॉलम चूज कर लेंगे और एलिमेंट वाइज हमें मल्टीप्लाई करना है तो कॉस किसके साथ मल्टीप्लाई होगा कॉस के साथ तो हमें क्या दे देगा कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है और साइन माइनस साइन के साथ होगा तो ये क्या दे देगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्लियर है ये फर्स्ट हो गया यहां पे एलिमेंट कौन सा होता है ए वन टू यानी फर्स्ट रो को सेकेंड मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है है ना तो यहां इसको मल्टीप्लाई नहीं करके यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस किसके साथ मल्टीप्लाई होगा साइन के साथ और ये वाला साइन किस किससे मल्टीप्लाई होगा इस कॉस के साथ ठीक है तो यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा दिख रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस फिर से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है ना तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं थीटा 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 या sin cos theta, एक ही बात है ठीक है ठीक नेक्स्ट पे कौन सा एलिमेंट आता है ए टू वन ए टू वन का मतलब क्या हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है ना तो यानी पहले मैट्रिक्स का अब हम सेकेंड रो लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स का हम फर्स्ट कॉलम लेंगे और फिर से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे नहीं है तो यहां पे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस साइन थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा थीटा से तो क्या दे देगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये वाला किससे मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन थीटा से तो फिर से हमें क्या मिलेगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा दोनों को एड करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस टू टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्लियर है और इसके बाद यहां पे कौन सा एलिमेंट होता है यहां पे a22 एलिमेंट होता है a22 मतलब क्या हो गया सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम ठीक है तो पहले मैट्रिक्स का सेकेंड रो चूज किया और दूसरे मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे देखो क्या आ जाएगा साइन माइनस साइन थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा इस साइन थीटा से है ना और ये कॉस थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा से तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्लियर है

टू साइन थीटा इन टू कॉस थीटा किसके इक्वल होता है साइन टू के ठीक है तो ये सब आपने इलेवेंथ वाले पार्ट में किया है तो बस हम इसको यहाँ पे उसी इलेवंथ वाले पार्ट को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ठीक है तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी यहाँ पे ये दे देगा हमें कॉस टू थीटा यहाँ पे आ जाएगा साइन टू थीटा यहाँ पे माइनस पहले से है, है ना तो यहाँ पे माइनस साइन टू थीटा और ये फिर से कॉस टू थीटा देगा ठीक है और देखो हमें यही चीज प्रूफ करनी थी कि ए स्क्वायर की वैल्यू इसके इक्वल है तो देखो यहां से हमने इसको यहां पे इक्वल प्रूफ कर दिया है ना तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है क्लियर है कर पाएंगे है ना तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना आना चाहिए कि कैसे हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लीशन मतलब मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा हूं मैं है, है ना तो वो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाइज आप उसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं थर्ड क्वेश्चन यहां पे हमें एक पीएक्स डिफाइन कर रखा है पीएक्स हमारे पास ये है एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में, या, में तो जगह पुट कर सकते, सकते, सकते हैं है तो फंक्शन पुट कर रखा है और हमें बोला है कि पी ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ वाई और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके इक्वल होगा पी ऑफ एक्स वाई के इक्वल होगा ठीक है और सिमिलरली ई इंटू पी ऑफ एक्स के भी ये इक्वल है ठीक है तो यहां पे देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे भी हो रहा है कौन कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है पी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है पी वाई से ठीक है तो पहले हम पी एक्स और पी वाई कैलकुलेट कर लेते हैं एक्चुअली में ये सब है क्या तो पी एक्स हमें क्या दिया हुआ है पी एक्स तो हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है कौन सा मैट्रिक्स है कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है कि नहीं और p ऑफ y की वैल्यू क्या होगी p ऑफ y की वैल्यू क्या हो जाएगी तो p ऑफ y में हम क्या करेंगे x की जगह पे y रिप्लेस कर देंगे है ना तो यहां पे जो मैट्रिक्स बनेगा ये क्या बन जाएगा cos y sin y माइनस साइन वाई इंटू कॉस वाई क्लियर है और p ऑफ x प्लस वाई क्या हो जाएगा p ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी पी ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा सिंपली एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे एक्स प्लस वाई तो जहां जहां पे एक्स तुम्हें दिख रहा है सबकी जगह पे क्या पुट करोगे एक्स प्लस वाई पुट करेंगे कितना कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई एंड कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई नहीं है और इस वाले पार्ट में बोल रहा है कि px और py को मल्टीप्लाई करोगे तो हमें यह मिलना चाहिए यानी इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलना चाहिए दोनों का प्रोडक्ट हमें ये मिलना चाहिए ठीक है तो अब तो सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन हो गया है ना तो px एक्स इंटू हम कैसे लिखेंगे पी एक्स इंटू हम कैसे लिखेंगे तो दोनों मैट्रिक्स को आप क्या करो साइड में लिख दो यहां पे है ना तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू ये हमने किसकी वैल्यू लिखी ये हमने पी एक्स की वैल्यू लिखी है ना ये मेरा पी एक्स मैट्रिक्स है और ये पी एक्स मैट्रिक्स हमें ऑलरेडी दे रखा है जो कि हमने यहाँ पे फिर से लिखाई है ठीक है और ये किससे मल्टीप्लाई होगा पी वाई से तो पी वाई कौन सा मैट्रिक्स है उसको भी साइड में यहाँ पे लिख लेंगे तो पी वाई मेरा यहाँ पे मैट्रिक्स हमने निकाला है तो इसको यहाँ पे लिख दो कॉस वाई साइन वाई माइनस साइन वाई और कॉस वाई है कि नहीं क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है पॉसिबल है क्योंकि ये टू क्रॉस टू का है और ये भी टू क्रॉस टू का है ठीक है तो इसका कॉलम और इसका रो आपस में क्या है इक्वल है इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है ठीक है अब हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे रो का कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होगा है ना तो ये हमारा फर्स्ट का रो हो गया और ये सेकेंड का कॉलम हो गया तो फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा कौन सा किससे मल्टीप्लाई होगा कॉस एक्स कॉस वाई से मल्टीप्लाई होगा नहीं है तो हम क्या लिखेंगे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और साइन एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन वाई से और दोनों को फिर हमें ऐड कर देना है तो क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई ये क्या हो गया मेरा फर्स्ट एलिमेंट आया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सेकेंड रो ए वन टू कैसे निकालेंगे तो फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम से है ना तो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई क्लियर है क्या? ये मेरा सेकेंड एलिमेंट हो गया फिर यहां पे कौन सा एलिमेंट आता है यहां पे टू वन आता है टू वन मतलब क्या हो गया सेकेंड रो सेकेंड रो तो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ठीक है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई होगा आपस में देखिए क्या दे देगा माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस वाई देखो माइनस ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन वाई ठीक है और यहाँ पे कौन सा एलिमेंट होता है यहां पे ए टू टू एलिमेंट होता है और ए टू टू एलिमेंट क्या होगा फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो दूसरे मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा ठीक है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो क्या जाएगा माइनस टाइम्स साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई ठीक है तो ये हमने सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर दिया और अब जो ये क्वांटिटी लिखी हुई है ये फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्रिक का ठीक है तो बताओ ये पहला वाला किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है पहला वाला किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है पहला वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का ठीक है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला देखो सेम यही होता है ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का ठीक है ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है यहां से माइनस बाहर निकाल लोगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस टाइम्स साइन ऑफ एक्स प्लस वाई और यहां से ये फॉर्मूला किसका लिखा हुआ है कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई है ना बस बाकी ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला है और ये चीज किसके इक्वल होगी p ऑफ x प्लस वाई के इक्वल होगी क्योंकि यही चीज यहाँ पे देखो हमने p ऑफ x y निकाला है ठीक है तो ये हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया क्लियर है ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया ठीक है और सेम चीज हमें किसके लिए करना है सेम चीज इसने इसी इसी वाले पार्ट में बोला है P ऑफ y को P ऑफ x से भी मल्टीप्लाई करोगे तो चीज मिलेगी यानी अब आपको इस को, इस है। है? मैट्रिक्स हमने पहले, पहले हमने मैट्रिक्स को ये बोल रहा है कि पहले अगर py लिखो और px लिखो तो भी सेम चीज आनी चाहिए ठीक है तो ये वाला पार्ट आप से करना। पहले आप ये मैट्रिक्स लिखोगे और फिर ये मैट्रिक्स लिखोगे और सेम उसी प्रोसेस से मल्टीप्लाई करके देखो कि क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन फिर से ये आता है कि नहीं आता है ठीक है क्योंकि हमने लास्ट क्लास में मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में देखा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कॉम्पिटेटिव प्रोपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है ठीक है तो इन जनरल ऐसा हमेशा नहीं होता है ठीक है दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है यानी पीएक्स पी वाई पी से मल्टीप्लाई हो रहा है और पी वाई पी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमेशा दोनों चीजें इक्वल नहीं होगी लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ये चीजें आपस में इक्वल हो रही है ठीक है तो इन जनरल अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कम्युनिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो वो सेटिस्फाई नहीं करता है ठीक है इसलिए तुम्हें अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो तुम्हें दोनों पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा सिर्फ एक पार्ट को सॉल्व करके अगर आप आंसर लिखते हो तो वो हाफ करेक्ट होता है ठीक है तो उसके आपके हाफ मार्क्स ही आपको मिलेंगे ठीक है समझ में आ रहा है तो वो सेकेंड वाला पार्ट आप खुद से ट्राई करना सेकेंड वाला पार्ट कौन सा है पी ऑफ वाई ठीक है है ये चीज भी इसके आ रही है नहीं ये वाला पार्ट आपको खुद से चेक करके देखना है ठीक है तो प्रैक्टिस आप करोगे तो चीजें आपको क्लियर होगी ठीक है तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो सब आप खुद से ट्राई कर सकते हो है ना जो भी क्वेश्चन है पहले आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो और फिर वीडियो स्टॉप करके आप उस क्वेश्चन को करने का ट्राई करो और उसके बाद फिर से आप अगर किसी में डाउट आता है या सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है नहीं होता है तो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे साथ साथ मिल ही रहा है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट है हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए, है ए ठीक है यहाँ पे ये यह जो ब्रैकेट लगा हुआ है ये ब्रैकेट भी इस मैट्रिक्स के लिए होता है ठीक है लेकिन क्वेश्चन में आपको इस टाइप से लिखा रहेगा लेकिन जनरली हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करते हैं ठीक है लेकिन बस अभी क्वेश्चन करने के पर्पज से उस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो ए हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और बोल रहा है देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्लियर है यानी ए जो है वो किसके बोल रहा है ये किसके इक्वल होना चाहिए आई के इक्वल होना चाहिए नहीं है ए किसके इक्वल होना चाहिए आई के इक्वल होना चाहिए अब देखो पहली चीज कि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो यहाँ पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर तो नहीं दे रखा है कि हमें किस ऑर्डर का लेना है ठीक है लेकिन हमें क्वेश्चन से ही ये क्लियर है कि अगर मैं अगर हमें ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के मैट्रिक्स के इक्वल करना है तो दोनों का ऑर्डर तो मुझे सेम लेना पड़ेगा है है कि नहीं तभी पॉसिबल और ए हमारा ऑलरेडी कितने का है टू क्रॉस टू का है तो आई भी बाई डिफॉल्ट किस ऑर्डर का हो जाएगा टू क्रॉस टू का हो जाएगा नहीं है और ए मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है क्या है कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा साइन एल्फा एंड कॉस एल्फा ठीक है और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी आई टू क्रॉस टू का आई टू क्रॉस टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है याद होगा आपको डायगेल के एलिमेंट वन वन होते हैं और बाकी सारा एलिमेंट जीरो होता है क्योंकि टू क्रॉस टू का ही है तो चार एलिमेंट ही होंगे ठीक है और फिर से इक्वेलिटी लगा हुआ है तो इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स है इसका मतलब कॉस एल्फा किसके इक्वल होगा वन के है ना तो यहां पे देखो इक्वेशन हमारे पास क्या बन रहा है कॉस एल्फा इक्वल टू वन दूसरा क्या बन रहा है माइनस साइन एल्फा इक्वल टू जीरो तो ऑलरेडी तो यहां से ही हमें मिल रहा है तो बाकी दो इक्वेशन को लिखने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि वो सेम यही इक्वेशन है अब बताओ एल्फा की किस वैल्यू के लिए कॉस एल्फा वन होता है तो यहां से आप लिख सकते हो एल्फा इक्वल टू जीरो आप पुट कर सकते हो और इक्वल टू जीरो के लिए साइन एल्फा की वैल्यू क्या जाती है जीरो आ जाती है तो यहां से भी हमें क्या मिल रहा है सेम ही आंसर मिल रहा है ठीक है दो अलग अलग इक्वेशन है और दो अलग अलग इक्वेशन से हमें एल्फा की सेम वैल्यू मिल रही है इसलिए हम इक्वल टू जीरो बोल सकते हैं है ना तो ये मैट्रिक्स जो है ए मैट्रिक्स आइडेंटिटी कब बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये तब बनेगा जब एल्फा की वैल्यू आप क्या पुट कर दोगे जीरो पुट कर दोगे और यही हमसे इसने क्वेश्चन में पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एल्फा ठीक है अल्फा की किस वैल्यू के लिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा तो हम आंसर बोल सकते हैं अल्फा इक्वल टू जीरो के लिए है ना तो कैसे किया बस कॉरस्पोडिंग एलिमेंट वाइज हमने इक्वेट करके इक्वेशन बनाया और इक्वेशन को सॉल्व करके हमने लिखा क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट हमारे है पास एक मैट्रिक्स ए दे रखा है ठीक है एक मैट्रिक्स ए दे रखा है और बोला है कि इसको आप वेरीफाई करके बताओ कि ये चीज इसके इक्वल है कि नहीं और किसके इक्वल हमें प्रूफ करना है ए स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस फाइव आई है ना माइनस फोर ए माइनस फाइव आई तो इस में हमें क्या करना होगा हमें तीनों चीजें अलग अलग कैलकुलेट करनी होगी यानी हम पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे है ना फिर फोर ए कैलकुलेट करेंगे फिर फाइव आई कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हमें सिंपली देख रहा है कि ये मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन है ठीक है तो हम पहले ए स्क्वायर निकालने का ट्राई करते हैं तो ए स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी ए इंटू ए ना? और ए मैट्रिक्स हमें ऑलरेडी दे रखा है और इसी मैट्रिक्स को हमें फिर से ए से ही मल्टीप्लाई करना है, है ना? तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा रो का कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होता है यानी फर्स्ट रो के फर्स्ट uh, मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है वैसे ही सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम और फिर थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है ठीक है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको पता है अगर पहली चीज हमें देखनी कि क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि ये किसके इक्वल है इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है. है तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें कौन सा मिलने वाला है थ्री क्रॉस थ्री का मिलने वाला है ना यानी कितने एलिमेंट हो जाएंगे नाइन एलिमेंट हमें निकालने पड़ेंगे अब पहला एलिमेंट मुझे कैसे मिलेगा पहला एलिमेंट मिलेगा जब मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा है ना फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा और ये मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से होगा एलिमेंट वाइज वन का किससे होगा One से two का two से two का two से का तो का कितना हो जाएगा plus four plus four. तो यहां पे हमारे पास कितना एलिमेंट आ जाएगा नाइन क्लियर है क्या यहां पे कितना एलिमेंट आ जाएगा मेरे पास नाइन एलिमेंट यहां पे हम फिल कर सकते हैं नहीं है नेक्स्ट आते हैं दूसरे वाले पे क्या होगा तो फर्स्ट रो फिर से किससे मल्टीप्लाई होगा सेकेंड कॉलम से है ना तो ये इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा और इस वाले कॉलम में मल्टीप्लाई होगा तो वन किससे मल्टीप्लाई होगा टू से तो क्या दे देगा two, two one, two two. है ना तो कितना आ जाएगा टू प्लस टू प्लस फोर यहाँ पे मेरे पास एट आ जाएगा दिख रहा है क्या यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा एट आ जाएगा तो ये हो गया सेकेंड वाला थर्ड के लिए यानी वन थ्री के लिए क्या करेंगे फर्स्ट रो को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा वन इंटू टू टू इंटू टू प्लस टू इंटू वन ठीक है एलिमेंट वाइज में मल्टीप्लाई कर रहा हूं और सबको एड कर रहे हैं तो कितना टू प्लस टू प्लस फोर फिर से मेरे पास एट आ जाएगा क्लियर है ना और सिमिलरली फर्स्ट रो वाला मेरा काम खत्म हो गया तो अब सेकेंड रो आएंगे और सेकेंड रो को फिर से फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे नहीं है सेकेंड रो को फिर से फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा टू इंटू वन टू टू इंटू टू फोर सॉरी वन इंटू टू टू तो टू प्लस टू फोर और ये यहां से फिर टू इंटू टू फोर देगा तो फिर से कितना आ जाएगा एट आ जाएगा है ना सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा टू इंटू टू फोर प्लस वन प्लस फोर नाइन और फिर से थर्ड एलिमेंट एट हो जाएगा ठीक है तो यहां से मैंने इसको डायरेक्टली लिखा है बाकी आप फिर से थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से सेकेंड कॉलम से थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कौन सा एलिमेंट मिलेगा आपको यहाँ के तीन एलिमेंट मिलते जाएंगे ठीक है क्रोसपॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करो यहाँ पे फिर से आपके पास एट एट और नाइन मिल जाएगा ठीक है खुद से चेक करना एक बार तो ये मेरा ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए फोर ए की वैल्यू चाहिए फोर ए क्या होगा तो ये क्या है सिंपल स्केलर मल्टीप्लीकेशन है फोर है और ए यहाँ पे लिख लो ए क्या हमारा one, two, 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 one, two, 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 ठीक है और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी क्योंकि स्केलर मल्टीप्लीकेशन है तो ये फोर किससे मल्टीप्लाई होगा हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना ये हमने पहले डिस्कस किया था ये क्या हो जाएगा हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास आपके पास क्या आ जाएगा फोर नेक्स्ट एट 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 फोर एट ठीक है एट एट एंड फोर तो ये किसकी वैल्यू है ये मेरे पास फोर ए की वैल्यू है और नेक्स्ट है फाइव आई है ना आई मैट्रिक्स हमें पता है तो फाइव आई ले लेंगे अब मुझे बताओ कि आई हमें किस ऑर्डर का लेना होगा क्योंकि इसने आई का ऑर्डर डिफाइन नहीं किया हुआ है ठीक है इसने क्वेश्चन में कहीं पे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किस ऑर्डर का है ये इसने नहीं किया। लेकिन हमें जब ये थ्री क्रॉस थ्री का है और ये थ्री क्रॉस थ्री का है और ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहा है और ये मैट्रिक्स भी इसके साथ सब्ट हो रहा है तो ये मैट्रिक्स भी किस ऑर्डर का होना चाहिए थ्री क्रॉस थ्री का ही होना चाहिए है ना यहाँ पे जब हम आई मैट्रिक्स चूज करेंगे तो ये ये किस order में लेना होगा? ये भी 3 cross 3 का लेना होगा और I matrix कैसे लिखते हैं? के सारे एलिमेंट वन हो गए और बाकी सारा नॉन डाइगनल एलिमेंट जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हर एक एलिमेंट फाइव से मल्टीप्लाई होगा लेकिन बाकी सारा एलिमेंट तो जीरो है तो सिर्फ डायगनल के एलिमेंट फाइव हो जाएंगे बाकी सारा एलिमेंट अभी भी आपको जीरो ही दिखेगा है ना तो ये जीरो 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 आ गया अब देखो हमने सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने ए स्क्वायर निकाल लिया फोर ए निकाल लिया और फाइव आई निकाल लिया ठीक है और हमें अब कैलकुलेट क्या करना है हमें कैलकुलेट करना है हमें कैलकुलेट करना है ए स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस फाइव आई ठीक है सारी मैट्रिक्स को आप यहां पे पुट करो तो पहला क्या है नाइन एट 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 नाइन एट 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 और नाइन ये किसकी वैल्यू है ए स्क्वायर की माइनस फोर ए कितना होगा तो माइनस फोर ए यहाँ पे लिख चुके हो देखो यहाँ पे पुट करो तो क्या होगा फोर एट 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 फोर फोर एट एट फोर ठीक है और माइनस फाइव आई कितना होगा फाइव जीरो 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 फाइव जीरो जीरो जीरो

जीरो मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कंप्लीटली मैट्रिक्स ही है तो ये जीरो को भी क्या होना पड़ेगा मैट्रिक्स ही होना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पे जीरो लिखा हुआ इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमें एक ही नंबर मिलेगा ये नंबर नहीं है मैट्रिक्स है जिस ऑर्डर का लेफ्ट हैंड साइड में होगा उसी ऑर्डर का मुझे यहाँ पे भी आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड की अगर सारे मैट्रिक्स का ऑर्डर देखोगे तो ये किस ऑर्डर का था थ्री क्रॉस थ्री का था तो जो जीरो मैट्रिक्स हमें राइट हैंड साइड में मिल रहा है वो भी देखो किस ऑर्डर का मिल रहा है थ्री क्रॉस थ्री का मिल रहा है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जीरो के आपके पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जहां पे आपको ये सब चीजें प्रूफ करनी है ठीक है तो उन सारे पार्ट्स में आप एक बार अच्छे से देख लेना कि कैसे हमें हमें इन्हें सॉल्व करना पड़ता है ठीक है नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फिर से एक क्वेश्चन है फाइंड फोर वॉट वैल्यू ऑफ एक्स और हमें राइट हैंड साइड में क्या प्रूफ करना है राइट हैंड साइड में हमें प्रूफ करना है कि वो किसके इक्वल है जीरो के इक्वल है ठीक है तो पहली चीज तो हमें ये समझ में आनी चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो मैट्रिक्स बन रहा है वो किस ऑर्डर का बन रहा है और जो तीन मैट्रिक्स लिखा हुआ है क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं है ठीक है तो पहले बताओ कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितने का होगा ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है वन क्रॉस थ्री ऑर्डर का है एक ही रो है और तीन कॉलम है ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है ये मैट्रिक्स थ्री क्रॉस थ्री का है और ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है ये मैट्रिक्स थ्री क्रॉस वन का है है ना तो हम पहले क्या करेंगे पहले आप इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो है ना स्टार्टिंग के दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है पॉसिबल है क्योंकि यहां पे देखो ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितने का होगा वन क्रॉस थ्री का जो आपका बच गया तो बच कौन कौन सा गया वन और थ्री बच गया और फिर से हमारे पास इसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है क्योंकि थ्री और ये थ्री इक्वल है तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितने का आएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स वन क्रॉस वन का आ जाएगा वन क्रॉस वन मतलब क्या हो गया कितने एलिमेंट हो गए एक ही एलिमेंट हो गया है ना इसका मतलब ये जो जीरो लिखा हुआ है ये एक्चुअली में क्या है एक? नंबर है है ना ये मैट्रिक्स अगर मैट्रिक्स के टर्म में बोलोगे तो ये मैट्रिक्स होगा वन क्रॉस वन का होगा क्योंकि एक ही एलिमेंट है और एक ही एलिमेंट है तो वो क्या हो जाएगा जीरो ही हो जाएगा नंबर ही हो जाएगा है ना तो इस तरीके से हम इसको चेक कर रहे हैं तो पहली चीज तो को मैट्रिक्स मल्टीप्लेशन क्या हो रहा है पॉसिबल हो रहा है तो पॉसिबल हो रहा है तो हम पहले स्टार्टिंग में पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है तो पहले इस मैट्रिक्स इस को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कैसे आता है तो ये वन कॉमा टू कॉमा वन है और ये मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है वन टू जीरो टू जीरो वन और यहाँ पे वन जीरो टू मैट्रिक्स है नहीं है तो अभी मैं इस लास्ट वाले को बाद में लिखूंगा अभी मैं बस पहले स्टार्टिंग के इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं ना तो ये बस इस मैट्रिक्स को मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं तो कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये इसका ऑर्डर कितने का है ये वन क्रॉस थ्री का है और ये कितने का है थ्री क्रॉस थ्री का है तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होने वाला है रिजल्टेंट रिजल्टेंट मैट्रिक्स मैट्रिक्स आप देखोगे ध्यान से किस ऑर्डर का होगा तो ये थ्री और ये थ्री सेम है तो रिजल्टेंट क्या बच गया वन क्रॉस थ्री यानी एक रो होगा और उसमें तीन कॉलम होंगे तो ये तीन एलिमेंट आपको फिल करने हैं है ना तो अब कैसे करेंगे फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट रो क्योंकि एक ही रो है तो यही एक ही रो तीनों बारी बारी से तीनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे आप इसको फिल करते जाओगे है ना तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा वन इंटू वन क्या देगा वन टू इंटू टू फोर और वन इंटू वन वन तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आ जाएगा पहला पहला एलिमेंट यहाँ पे सिक्स आ जाएगा ठीक है फिर सेम वही वही फर्स्ट रो किस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा सेकेंड कॉलम से तो वन इंटू टू क्या दे देगा टू टू इंटू जीरो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो वन इंटू जीरो जीरो टू इंटू वन टू और वन इंटू टू टू तो टू और टू फिर से कितना जाएगा? आ जाएगा फोर आ जाएगा क्लियर है तो ये हमने क्या किया पहले स्टार्टिंग के दोनों मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई किया तो यह और ये मैट्रिक्स अब किससे मल्टीप्लाई होगा ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई होगा ठीक है तो इस मैट्रिक्स को मैं फिर से लिख लेता हूं सिक्स टू फोर आ गया और ये मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाई होगा ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा जीरो टू एक्स से ठीक है जीरो टू एक्स से अब देखो इसका ऑर्डर कितने का है थ्री क्रॉस वन का है इसका ऑर्डर कितने का है वन क्रॉस थ्री का है तो क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है हाँ पॉसिबल है है ना और जो रिजल्टेंट आएगा आएगा वो कितने ऑर्डर का है? One cross one का क्रॉस ही आएगा और ये पूरा मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल इक्वल है zero के है जीरो के तभी हम एक्स निकाल पाएंगे है ना तो यहाँ पे देखो पहले इसको मल्टीप्लाई करो और उसको हम इक्वल टू जीरो करेंगे ठीक है तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो क्या होगा तो इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो क्योंकि एक ही रो और एक ही कॉलम है तो एक ही एलिमेंट आएगा तो सिक्स किस से मल्टीप्लाई होगा जीरो से तो ये क्या हो जाएगा सिक्स इंटू जीरो प्लस टू इंटू टू है ना प्लस फोर इंटू एक्स और ये वैल्यू किसके होगी जीरो के ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया तो यहां से एक्स की वैल्यू किसके गोल आ जाएगी माइनस वन के है ना तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन है यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए माइनस वन होना चाहिए तभी इस पूरे का मल्टीप्लीकेशन जाएगा जीरो के इक्वल हो जाएगा क्लियर है है ना तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो यह था हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का होगा आपके पास आपने शायद देखा होगा है ना यहाँ पे हमें मैट्रिक्स फॉर्म करना है किस ऑर्डर का थ्री क्रॉस टू का थ्री क्रॉस टू का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास तीन रो होंगे और दो कॉलम होगा तो अगर मैं ए ए मैट्रिक्स मान लू और ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा ए आई जी ऑर्डर का हो जाएगा ठीक है और इसका ऑर्डर कितने का है थ्री क्रॉस टू का है तो बताओ आई की वैल्यू कहां से कहां तक मूव करेगी आई की वैल्यू मिनिमम वैल्यू तो वन से ज्यादा होगा और सिमिलरली जे में भी यही रूल रहता है लेकिन हाईएस्ट वैल्यू कहां से मिलती है आई कहा क्या बताएगा नंबर ऑफ रूज कहां तक हो सकते हैं तो ये थ्री हो जाएगा और जे की वैल्यू कहां तक हम पुट कर सकते हैं तक पुट कर सकते हैं ठीक है और ए आई निकालने के लिए हमें क्या यूज करना है आप वन लोगे आई की वैल्यू वन लोगे तो जे की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है जे की वैल्यू वन और टू हो सकती है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ए वन वन आपको निकालना है और ए वन टू निकालना है ठीक है i की वैल्यू अगर टू ले लेंगे तो क्या वैल्यू पॉसिबल है ए टू वन ए टू टू और क्या हम a निकाल सकते ए थ्री थ्री की वैल्यू इसमें पुट करके आप निकाल सकते हो लेकिन ये वाला एलिमेंट कहीं पे यूज नहीं होगा है ना क्योंकि j की मैक्सिमम वैल्यू टू तक ही है इसको हम कहीं पे लि, लिख नहीं पाएंगे है ना तो मैट्रिक्स ए जो बनेगा आपका वो ए मैट्रिक्स आपका इस तरीके से फॉर्म होगा जिसमें दो तीन रो होंगे और दो कॉलम होगा है ना तो इस तरीके से आपके पास एलिमेंट आएगा और यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो वैल्यू हम यहाँ पे निकाल रहे हैं ए वन वन कैसे निकालेंगे तो आई और जे की वैल्यू आप वन वन पुट कर दो यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा हाफ इंटू मोड़ लगा हुआ है तो माइनस साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये थ्री माइनस वन वन टू दे देगा तो यहाँ पे वैल्यू वन आ गई ठीक है नेक्स्ट वन टू पुट करेंगे तो कितना होगा सिक्स माइनस वन फाइव तो ये फाइव बाई टू आ जाएगा टू वन पुट करोगे तो आई की वैल्यू टू और जे की वैल्यू वन तो यहां से कितना आ वन बाई टू 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 पुट करेंगे तो टू माइनस सिक्स कितना दे देगा फोर फोर डिवाइडेड बाई टू हमें टू मिल जाएगा ए थ्री वन कितना होगा ए थ्री वन आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि आई की वैल्यू थ्री और जे की वैल्यू वन पुट करेंगे ठीक है ना ये वाली वैल्यू आई है और ये वाली वैल्यू जे है सिमिलरली थ्री टू पुट करेंगे तो कितना आ थ्री बाई टू मॉड लगा हुआ है इसलिए हमने सबका नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं किया ठीक है थेके? अब ये सारी वैल्यू आपको मिल चुकी है इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दो तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा वन वन नेक्स्ट फाइव बाई टू ठीक है नेक्स्ट फाइव बाई टू फिर यहाँ पे वन बाई टू यहाँ पे टू यहां पे जीरो और ये थ्री बाई टू तो ये हमारा क्या बन गया थ्री क्रॉस टू का मैट्रिक्स बन गया जिसमें थ्री रोज है और दो कॉलम है है ना तो सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में होगा होगा तो वहां पे आप आई होप कि आपने किया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है सेवेंथ हो गया एट्थ पे आते हैं एट्थ पे आते हैं यहाँ पे हमें से इसने क्वेश्चन बोला है कि दो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है और एक्चुअली में तीन मैट्रिक्स है यहाँ पे फिर से इसको मैट्रिक्स के तरीके से ट्रीट करना है स्क्वायर ब्रैकेट के तरीके से ठीक है और ये मैट्रिक्स है लेफ्ट हैंड साइड में दो मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है और वो मल्टीप्लाई होने के बाद लेफ्ट राइट हैंड साइड में भी एक मैट्रिक्स है उसके इक्वल है है ना तो हमें के की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली ये क्या है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं है ना सिंपली ये क्या है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है तो पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे वन टू थ्री फोर ठीक है और ये मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 3, 1, 2, 5 से. है ना और ये किसके इक्वल है ये इक्वल है सेवन इलेवन के एंड ट्वेंटी थ्री के ठीक है तो लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना आ जाएगा ठीक है लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा तो यहाँ पे देखो क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है हाँ पॉसिबल है क्योंकि टू क्रॉस टू टू क्रॉस टू का है ठीक है तो ये दोनों सेम है इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से तो कितनी आ जाएगी वैल्यू वन इंटू थ्री थ्री टू इंटू टू फोर है ना तो यहाँ पे जो एलिमेंट मिलेगा हमें वो टू क्रॉस टू का ही आएगा पहला एलिमेंट कितना आ जाएगा वन इंटू थ्री प्लस 2 into 2, दूसरा एलिमेंट कितना आ जाएगा? 1 into 1 plus 5 into 2, तीसरा एलिमेंट यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 into 3 plus 4 into 2 एंड यहाँ पे लास्ट एलिमेंट कितना आ जाएगा? 3 into 1 plus 4 into 5. नहीं है. और ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? ये वैल्यू इक्वल होनी चाहिए 7, 11, k and 23 का. ठीक है. इस वाले पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं ये कितना हो गया थ्री प्लस फोर सेवन दे देगा तो इसके जगह पे मैं सेवन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे देखो वन प्लस टेन कितना दे देगा इलेवन दे देगा तो यहाँ पे इलेवन पुट कर दे रहा हैं ये कितना हो जाएगा नाइन प्लस एट है ना नाइन प्लस एट कितना हो गया सेवनटीन और यहाँ पे कितनी आ जाएगी वैल्यू फाइव थ्री प्लस ट्वेंटी है ना तो ये सारी वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होके आ गए अब देखो दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो एलिमेंट क्या होने चाहिए आपस में, में, में तो इक्वल होना, होना पड़ेगा तो हम के की वैल्यू क्या बता सकते हैं कि के वैल्यू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि हमारा ट्वेंटी सेवनटीन के इक्वल हो जाएगा तो के का आंसर क्या हो जाएगा आपका सिंपली सेवनटीन है तो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी है और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स भी है ठीक है इजिली सॉल्व हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट है हमारे पास बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल है तो अगर मैं केमिस्ट्री बुक की बात करता हूं तो केमिस्ट्री बुक मेरे पास कितने टेन डजन ठीक है फिजिक्स बुक कितने पास? हमारे पास फिजिक्स बुक हमारे पास Dozen है, और इकोनॉमिक बुक हमारे पास कितने केमिस्ट्री बुक uh, का प्राइस कितना है एट्टी रुपीज पर बुक है ठीक है वैसे ही फिजिक्स की प्राइस कितनी है सिक्सटी रुपीज पर बुक और ये फिजिक्स का हो गया और इकोनॉमिक्स का प्राइस कितने का है? इकोनॉमिक्स है हमारा फोर्टी रुपीज पर बुक का ठीक है और इसने जो बुक खरीदे ये किस में खरीदा है ये इसने डजन में खरीदा है ठीक है ये सारे डजन में है ये सारे डजन में है. तो टोटल उसने कितने बुक खरीदे होंगे तो सबको ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करते जाएंगे है नहीं तो ये कितना हो जाएगा वन ट्वेंटी ये ट्वेल्व इंटू 8 यहाँ 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा 120 120 कितना हो जाएगा 96 ना तो इसने टोटल इतने बुक खरीदे हैं है ना तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी हमारे पास जो भी हमारे पास ए,

तो आप क्या बताते कि कितने पैसे मिलेंगे हमारे पास तो कैसे निकालते हैं आप सोचो जरा सा कैसे निकालते हमारे पास केमेस्ट्री के एक बुक का प्राइस पता है तो हमें टोटल कितने बुक बेचने हैं 120, तो हमें टोटल पैसे कितने मिलते हैं ना तो टोटल अमाउंट की अगर हम बात करते हैं तो टोटल अमाउंट मेरे पास कितना जाता है वन ट्वेंटी इंटू सिमिलरली नाइनटी फिजिक्स के बुक का प्राइस कितना हो जाता 60 और प्लस 120 ट्वेंटी इंटू तो इसको जो सॉल्व करके आप निकालोगे वो आपका टोटल अमाउंट आएगा है ना तो ये हम नॉर्मल तरीके से तो हम इसी तरीके से निकालेंगे लेकिन इसने बोला है कि आपको यूजिंग मैट्रिक्स एल्जेब्रा यानी मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है ठीक है तो यहां पे अगर आप देखोगे तो अगर ये मल्टीप्लीकेशन होगा तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें कुछ ना कुछ एक सिंगल नंबर मिलेगा है ना कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही कोई डिजिट का नंबर मतलब कि एक ही नंबर मिलेगा ना है ना ये ट्वेल्व इंटू एट वन ट्वेंटी इंटू एट्टी फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर इसको करोगे मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके पास नंबर आएगा तो वो एक ही नंबर होगा यानी अगर मैं इसको मैट्रिक्स में पुट करूंगा तो मुझे कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा वन क्रॉस वन का मैट्रिक्स मिलेगा क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है एक ही नंबर आ रहा है ना तो फाइनली जो मेरे पास नंबर आने वाला है वो क्या है वन क्रॉस वन का आने वाला है ठीक है ना तो अगर मैं इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करने का ट्राई करूं तो मुझे कितने कैसे लेना पड़ेगा ठीक है तो यहां पे देखो एक तरफ तो मेरे पास बुक का होगा और दूसरे तरफ मेरे पास प्राइस होंगे उसके ठीक ना तो हम क्या करेंगे बुक और प्राइस को कंबाइन करके मुझे ये ये चीज जेनरेट करना है ठीक ना तो ये चीज जनरेट कैसे होगा तो ये चीज देखो जनरेट ऐसे हो सकता है कि आप क्या कर सकते हो आप एक तरफ एक तरफ आप बुक बुक सारे लिख लो कि बुक हमारे मे, मेरे पास क्या क्या है तो मेरे पास तीन बुक है है ना तो तीन बुक है तो आप उसको अगर अरेंज करोगे मैट्रिक्स के टर्म में तो क्या हो सकता है या तो आप तीनों बुक को एक रो में अरेंज करोगे या एक कॉलम में अरेंज करोगे यही पॉसिबिलिटी हो सकती है नहीं है तो हम दोनों तरीके से करके देखते हैं मान लो कि फर्स्ट मैं तीनों बुक को कॉलम में अरेंज कर देता हूं ठीक है तीनों बुक को मैं कॉलम में अरेंज करता हूं तो क्या आ जाएगा 120, 96 और 120 क्लियर है तीनों बुक को मैंने क्या कर दिया कॉलम में अरेज कर दिया और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तीनों बुक को मैं क्या करूं रो में अरेंज कर दूं नहीं है तो एक पॉसिबिलिटी ये हो, हो सकता है और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है मैट्रिक्स के टर्म में ठीक है दूसरी चीज मुझे प्राइस भी चाहिए तो प्राइस को हमें बुक नंबर ऑफ बुक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो टोटल अमाउंट मिलेगा

तो अगर आपको प्राइस को अरेंज करना है तो प्राइस को अरेंज करने के लिए इसका कॉलम जो है उसको रो के इक्वल होना चाहिए है ना तो रो जब इक्वल करोगे तो वहां पे आपका कितने रो बनेंगे एक ही रो बनेगा है कि नहीं एक ही रो बनेगा और क्योंकि प्राइस भी तीन है तो हमें इसको किस में अरेंज करना पड़ेगा सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि आप उन सबको एक रो में अरेंज कर दो ठीक है तो यहां पे आप क्या करोगे एट्टी सिक्सटी और फोर्टी करोगे ठीक है अब बताओ कि मैंने इस ये मेरा हो गया बुक और ये मेरा हो गया प्राइस ठीक है अब बताओ प्राइस को मैंने कॉलम में क्यों नहीं अरेंज किया प्राइस को मैं कॉलम में भी तो अरेंज कर सकता था अगर सोचो कि अगर मैं प्राइस को कॉलम में अरेंज करता यहाँ पे प्राइस है और यहाँ पे ये मेरा बुक है और ये थ्री क्रॉस वन का है और अगर मैं इसको कॉलम में अरेंज करता तो ये भी किस ऑर्डर का बन जाता थ्री क्रॉस वन का तो क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होता पॉसिबल नहीं होता इसलिए दोनों को कभी भी कॉलम में आप नहीं लिख सकते हो क्लियर है इसलिए मैंने एक को रो में लिखा तो एक को कॉलम में लिखा तो ये मेरा कॉलम था तो इसे मुझे रो रो में में लिखना पड़ेगा और और लिखेंगे तो ये किस ऑर्डर का का हो गया क्रॉस जब मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या देगा कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स देगा मुझे थ्री क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स का ऑर्डर देगा है ना थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स देगा जबकि मेरे पास रिजल्टेंट कितने का आना चाहिए था वन क्रॉस थ्री का आना चाहिए है ना तो क्या ये मल्टीप्लिकेशन सही है क्या ये मल्टीप्लिकेशन मेरा गलत है यानी मैं बुक को कॉलम में अरेंज नहीं कर सकता हूं तो बुक को मुझे किस में अरेंज करना पड़ेगा रो में है ना और प्राइस को हम किस में अरेंज करेंगे प्राइस को हम कॉलम में अरेंज करेंगे तो ये 80 40 और 60 ठीक है तो ये 1 क्रॉस 3 का है और ये 3 क्रॉस 1 का है मल्टीप्लाई करोगे तो हमें 1 क्रॉस 1 का मिलेगा जो हमें चाहिए था ठीक है तो इसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है इसने बोला कि इसको आप किस तरीके से अप्लाई करोगे मैट्रिक्स एल्जेबरा के टर्म में तो मैट्रिक्स एल्जेबरा में आप कैसे उसको कन्वर्ट करोगे इस तरीके से हम इसको लिखेंगे ये वाला मेरा क्या हो गया ये हमारा बुक हो गया और ये मेरा प्राइस हो गया ठीक है तो ये चीज हमने कहां से निकाला ये चीज हमने इस चीज को देख के निकाला कि हमें अगर नॉर्मली कैलकुलेट करना होता तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ठीक है तो इस तरीके से आप उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो यही उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है ठीक है जो है ना तो आप ऐसे क्वेश्चंस आप बुक में देखोगे सीआरटी बुक में एग्जांपल में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, है ना तो वहां पे भी इन सारे क्वेश्चन को एक बार देखना सही से तो आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा कैसे हम थल प्रॉब्लम को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं है ना तो थियोर प्रॉब्लम को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना भी क्या है इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको करना आना चाहिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे भी हमें बोल रहा है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ठीक है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से मुझे इस प्रॉब्लम को सोल्व करना नॉर्मली अगर सोल्व करना होता तो हम सोल्व कर लेते ठीक है तो बोल रहा है कि अ ट्रस्ट हैज थ्री थर्टी थाउजेंड और वो उसे टू डिफरेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाह रहा है फर्स्ट बॉन्ड पे फाइव परसेंट पर ईयर का इंटरेस्ट मिल रहा है और दूसरे अमाउंट है।, है? तो है, है, है ना टोटल इंटरेस्ट है वो कितना मिलना चाहिए टोटल इंटरेस्ट एटीन हंड्रेड मिलना चाहिए और सेकेंड केस के लिए टू थाउजेंड मिलना चाहिए ठीक है तो फिर से आपको पहले तो मेरे पास थर्टी थाउजेंड है थर्टी तो थाउजेंड को मैं कैसे डिवाइड करूंगा तो मुझे नहीं पता थर्टी थाउजेंड कैसे करेंगे? तो एक को मैंने क्या किया क्या क्या हमने हमने एक्स और वाई को दो वेरिएबल मान लिया कि थर्टी थाउजेंड वो एक्स और वाई रेशियो में एक्स और वाई पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो दोनों को ऐड करेंगे तो थर्टी थाउजेंड मिलेगा एक्स को मान लो वो किस पे इन्वेस्ट कर रहा है 5 परसेंट बॉन्ड पे और वाई को किस पे इन, ए, कितने बॉन्ड पे कितने इंटरेस्ट के बॉन्ड पे इन्वेस्ट कर रहा है 7 परसेंट के बॉन्ड पे ठीक है तो फाइनली जो आपके पास इंटरेस्ट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 1800 ठीक है और ये सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है तो 5 परसेंट से यहाँ पे इसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा तो कैसे लिखेंगे हम एक्स इंटू फाइव या, याद होगा आपको पी इंटू इंटरेस्ट हम क्या लिखते हैं इंटरेस्ट क्या लिखते हैं पी इंटू आर इंटू टी बाई हंड्रेड है ना तो ये देखो पी इंटू आर इंटू हंड्रेड है तो ये पहला इंटरेस्ट हो गया बॉन्ड हंड्रेड और ये टोटल वैल्यू किसके इक्वल इक्वल होना चाहिए के फर्स्ट के वाले केस में है कि नहीं तो यहां से देखो एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा और एक इक्वेशन मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ है इसको सॉल्व करके हम एक्स और वाई निकाल सकते हैं कि नहीं तो आपका ये फर्स्ट वाला ऑप्शन फर्स्ट वाला पार्ट आपका सॉल्व हो जाएगा दूसरे वाले पार्ट में क्या करेंगे फिर से सेम वही चीज है फिर से सेम वही चीज है वाई इंटू सेवन इंटू वन डिवाइडेड बाई हंड्रेड लेकिन अब इंटरेस्ट कितना होना चाहिए टू थाउजेंड होना चाहिए तो दोनों टोटल इंटरेस्ट उठे टू थाउजेंड मिलना चाहिए तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं लेकिन इसने बोला है कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना है ताकि आप इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व कर सको ठीक है तो मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर से आपको देखना है कि आप हम इसको कैसे कैसे कर सकते हैं ठीक है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में देखो मल्टीप्लाई होके ऐड ये दोनों क्वांटिटी हो रहा है यानी कौन कौन सी क्वांटिटी ऐड हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है ये अमाउंट मल्टीप्लाई हो रहा है और इंटरेस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है तो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे दोनों को हमें रो या कॉलम में अरेंज करना है ठीक है तो फिर से आप इस डेफिनेशन को देख के आपको सोचना है कि हम कैसे इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है तो मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो एक को हमें रो पे या कॉलम पे लेना होगा तो वो आप तो वो खुद एक देखोगे आपको समझ में आएगा कि जो हमारा एक्स अमाउंट है एक्स और वाई है इसे हमें कहां पे लेना चाहिए क्योंकि देखो x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है फाइव से है ना तो x को मैं यहां पे रखूंगा और फाइव को मैं यहां पे रखूंगा y किससे मल्टीप्लाई हो रहा है सेवन से तो y को हम यहां रखेंगे और 7 को यहां रखेंगे क्योंकि फाइनली दोनों क्या हो रहा है एडिशन हो रहा है है ना तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि x y क्या हो जाएगा हमारा रो में आ जाएगा और 5 7 हमारा किस में आ जाएगा कॉलम में आ जाएगा और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलना चाहिए 1800 मिलना चाहिए है ना 1800 मिलना चाहिए सिमिलरली दूसरे वाले को भी करोगे तो दूसरे वाले में भी क्या होगा एक्स वाई रो में आएगा कॉलम में आएगा और ये फाइव और ये सेवन इस तरफ आएगा फाइव सेवन कॉलम में और यहां पे फिर मेरे पास कितना आ टू थाउजेंड तो ये इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है अगर आप दोनों को कंबाइन करके लिखना चाह रहे हो कि दोनों को मैं एक ही मैट्रिक्स में लिख सकता हूं तो वो चीज भी हम यहां पे कर सकते हैं दोनों को एक ही मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे एक्स वाई एक्स वाई ठीक है दोनों में एक्स वाई एक्स वाई पुट कर दो और यहां पर एक कॉमन आप फाइव सेवन ले लो ठीक है तो देखो फर्स्ट रो इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमें कौन सा देगा फर्स्ट वाला एलिमेंट देगा तो रिजल्ट एटीन हंड्रेड मिलेगा और यहां को मैंने कंबाइन करके लिखा ठीक है तो कंबाइन करके लिखोगे तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से आप बना सकते हो ठीक है यानी तो अगर आप अलग अलग लिखना चाहते हो तो इस तरीके से आप दोनों पार्ट को सॉल्व कर सकते हो ये किस पार्ट का है ये ए पार्ट का है और ये बी पार्ट का रिप्रेजेंटेशन है ठीक है तो इस तरीके से भी आप इसको इजीली कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है है ना तो एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिए हुए आप एक बार उसको देखो समझो तो आपको ये चीजें क्लियर होगी कैसे ये सब चीजें क्वेश्चन सोल्व हो रहा है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट है हमारा यहां पे देखो एक्स वाई जेड डब्लू पी हमारे पास मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर हमें दे रखे ठीक है, है तो x किस ऑर्डर का है x है, टू का, है? Y किस का है? Y है थ्री क्रॉस n का ये एनसीआरटी का ही प्रॉब्लम है लास्ट वाला पार्ट जो है है ना z किस ऑर्डर का है z है हमारा थर्ड नंबर पे है तो थर्ड नंबर पे क्या है टू क्रॉस p है ना w किस ऑर्डर का सबके मैं ऑर्डर लिख दे रहा हूं इसी का एक और पार्ट है क्वेश्चन नंबर 22 भी है वो आप खुद से ट्राई करना तो आपको समझ में आएगा कैसे करना होता है तो मैं एक पार्ट इसका करके दिखा देता हूं है ना ये सबके मैंने ऑर्डर लिख लिए द रिस्ट्रिक्शन ऑन n k p सो दैट py wy इज डिफाइंड ठीक है तो py प्लस wy हमें डिफाइन करके बताना कि क्या ये डिफाइन कैसे होगा ठीक है तो क्योंकि हम मैट्रिक्स को क्या क्या ऑपरेशन यहां पे हो रहा है यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और यहां पे भी मैट्रिक्स हो रहा है और फाइनली दोनों का एडिशन हो रहा है ठीक है तो हम पहले ट्राई करते हैं कि मैट्रिक्स डिफाइन है कि नहीं है तो P का ऑर्डर कितने का है P का है P का का ऑर्डर है क्रॉस Q और Y किस ऑर्डर का है Y है हमारा थ्री क्रॉस K का ठीक है तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है सिमिलरली W के बारे में अगर लिखे हैं, तो W हमारा ऑर्डर है थ्री क्रॉस एन क्रॉस थ्री का ठीक है और y किस ऑर्डर का y है हमारा टू क्रॉस n का है ना w हमारा किस ऑर्डर का है n क्रॉस थ्री का है w n क्रॉस थ्री का है ठीक है और y हमारा y हमारा थ्री क्रॉस p का थ्री क्रॉस k का ठीक है ये हमारा थ्री क्रॉस के का तो अब बताओ मुझे कि क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं तो W और Y को तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस आपस में में देखो इक्वल हो रहा है है ठीक मल्टीप्लाई हो सकता है और मल्टीप्लाई होने के बाद डब्ल्यू वाई का रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितने का होगा N क्रॉस K का होगा ये समझ में आ रही है पी वाई का मैट्रिक्स मल्टीप्लेशन क्या पॉसिबल है पी वाई का मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है अगर ये दोनों आपस में इक्वल होता है ना तो हम अगर मुझे क्योंकि इसने बोला है कि ये चीज डिफाइन है 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 ना देखो ये वाला जो matrix multiplication, ये डिफाइन है, इसने already बोल रखा है, will be defined. तो अगर ये डिफाइन है, इसका मतलब k की किसके इक्वल होनी चाहिए थ्री के होनी चाहिए तो पहला कंडीशन तो हम ये निकाल सकते हैं कि के वैल्यू थ्री के इक्वल हो गई ठीक है और के, के अगर ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितने का होगा पी क्रॉस के का होगा क्लियर है और फाइनली ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहा है एड हो रहा है ठीक है तो हमें पता है कि जब दो मैट्रिक्स एड होता है तो उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए यानी ये ऑर्डर और ये ऑर्डर आपस में क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए सेम होने का मतलब हो गया कि रो रो के इक्वल होगा और कॉलम कॉलम के इक्वल होगा तो कॉलम दोनों का तो के और के सेम है तो रो भी सेम होना चाहिए तो हम यहां से क्या कंडीशन बोल सकते हैं एन इक्वल टू क्या होना चाहिए पी होना चाहिए तो हमारे पास दो कंडीशन आ गया तो ये और ये मैट्रिक्स और जो एक्सप्रेशन है तो P आपका आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो ठीक है तो इस तरीके से हम लोगों ने आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए ठीक है ये बस एग्जाम्पल था आप खुद से इन सारे क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो देखो और किसी पार्ट में डाउट आता है तो आप सोल्यूशन वहां पे देख ही सकते हो है ना तो ये सब क्वेश्चन आप ट्राई करो एनसीईआरटी बुक के आप क्वेश्चंस कर सकते हो एक्सरसाइज जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था है ना तो वो सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे इजीली सॉल्व कर पाओगे कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला जो एक्सरसाइज था हमारा वो एक्सरसाइज आप कंप्लीट करो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यानी सारे ऑपरेशन हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं ठीक है जो पार्ट हमारा अब हम दूसरे टाइप के मैट्रिक्स पढ़ेंगे और हमने लास्ट क्लास में जो इनवर्स देखा था इनवर्स हमने कैलकुलेट नहीं किया था है ना आपको याद होगा कि इनवर्स का कैलकुलेशन हमने नहीं किया था तो इनवर्स का कैलकुलेशन वाला पार्ट हमारा बचा हुआ है तो उसको हम लोग आगे की क्लास में डिस्कशन करेंगे उससे इनवर्स से पहले कुछ और टाइप के मैट्रिक्स हमें देखने होते हैं तो उन सब सारे मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखेंगे कि वो कैसे सॉल्व होता है ठीक है तो यहाँ पे आने के बाद आप एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर सकते हो ठीक है एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.1 आप ऑलरेडी कर चुके हो तो ये दोनों आपका अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका नेक्स्ट थ्योरी वाला पार्ट कवर करेंगे जहां पे आपको डिफरेंट टाइप के मैट्रिसेस और भी दूसरे टाइप के मेट्रिक हैं तो उस उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर लास्ट वाला सेशन जो होगा वो हो हमारा इनवर्स इंपॉर्टेंट है ठीक है? तो इनवर्स से पहले कुछ और चीजें पढ़नी होती है वो हम आगे क्लास में इसको डिस्कस करेंगे ठीक है तो आप क्वेश्चंस वगैरह कंप्लीट करते रहो है ना और प्रैक्टिस करते रहो आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा ठीक है, है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में चलो बाय